Okay, so World Test Championship का second cycle में अगला पड़ाव भारत बनाम न्यूजीलैंड और हिंदुस्तान शेर है. When it comes to India, इंडिया में इंडिया को कोई नहीं हरा सकता, ये तो सबको पता है. और सबसे बड़ी बात कि न्यूजीलैंड लास्ट टाइम जब इंडिया पर आया था तब केन विलियमसन पैदा भी नहीं हुए थे. दैट वाज आई थिंक इन 98 24 दिन के थे. ओ भाई साहब, तो काफी पुराने थे, तब इंटरनेट भी नहीं हो रहा था. तो वो बड़ा मतलब कहा जाए तो ये जो कल की गेम है न्यूजीलैंड के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है. कानपुर की विकेट है, आपको पता ही है कितनी खतरनाक होती है. और इंडियन स्पिनर्स रक्षक नहीं भक्षक बन जाते हैं भाई साहब, वैसे दो धोखे खाते हैं सब. पर इंडियन टीम के साथ ना रोहित, ना केएल, ना विराट, ना पंत, ना बुमराह, ठीक है, ये पांच बड़े प्लेयर्स, ना शमी, तो उस सबके साथ, उन सबके बिना टीम कैसे उतरती है वो थोड़ी देखने वाली बात होती है. और टीम अपने आप को कैसे बोल्ड करती है. देखो जी, सबसे अच्छी देखने वाली बात है कि अब जो कोच है वो राहुल द्रविड़ है और जो कैप्टन है वो रहाणे हैं. और रहाणे बहुत अच्छे कैप्टन है और जब भी वो कैप्टन बनते हैं तो रिकॉर्ड इंडिया का बहुत अच्छा रहा है. तब रिकॉर्ड इंडिया का बहुत अच्छा रहा है. और ऐसी एक सिचुएशन रहाणे के साथ पहले भी आ चुकी है, जब ऑस्ट्रेलिया में वो ड्राबा और मैच था तब इंडिया के सारे सीनियर्स प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे, सब जूनियर प्लेयर्स के साथ ही हम लोग खेल रहे थे और वहाँ हम जो जीते हैं वो सबको याद ही है. तो रही देखिए बात पेसर्स की, शमी और बुमराह, क्योंकि ये पिच ऐसी है कि हाँ मुश्किल से मुश्किल 10 ओवर कराए जाएंगे पेसर से, उसके बाद लग जाने सारे स्पिनर और फिर स्पिनर ही विकटे लेंगे. तो मुझे लगता है कि स्पिनर्स का ज्यादा महत्व है इस पिच पे. और ऑब्वियसली तैयारी तो न्यूजीलैंड भी करके आनी है. बट हम बात करते हैं पहले हमारी जो इंडियन स्क्वाड है, क्योंकि जैसे कि शिखर ने आपको पहले ही बता दी कि केएल राहुल इंजर्ड है इसलिए वो नहीं खेलेंगे, तो उनकी रिप्लेसमेंट डेफिनेटली अब मयंक अग्रवाल रहेगी. उनकी रिप्लेसमेंट जो आइडली टीम ने क्रॉल किया है वो क्रॉल किया है सूर्य कुमार यादव को, पर अभी सूर्य कुमार यादव स्क्वाड में फिट होते हुए नहीं दिख रहे हैं. यहाँ पे अगर आप देखें हमारी प्लेइंग 11 जो बना रहे हैं हम, उसमें मुझे लगता है ओपन करेंगे शुभमन गिल और मयंक अग्रवाल. जो शुभमन गिल मयंक अग्रवाल ये थोड़ा सेट प्लेयर है. नंबर 3 पे शायद चेतेश्वर पुजारा, फिर आएंगे कैप्टन साहब अजिंक्य रहाणे. नंबर 4 पर हो सकता है कि श्रेयस अय्यर भी आ जाए, क्योंकि जो कि आज अपना कल अपना डेब्यू कर रहे हैं. हाँ, तो जो अपना डेब्यू कर रहे हैं, उनका डोमेस्टिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, 50 प्लस एवरेज रहा है और सारी टॉप टीम्स के अगेंस्ट उन्होंने रन स्कोर किए. तो 4 या 5 नंबर पे. हाँ, या तो बड़ी फाइट चल रही है कि सूर्य कुमार यादव या श्रेयस अय्यर में से किसको चार्ज मिलेगा. नहीं, वो कन्फर्म हो गया, क्योंकि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें रहाणे ने कहा है कि हम डेब्यू जो है आज इस बार उसी से कराएंगे. रहाणे सूर्य से नहीं, श्रेयस अय्यर ही करेंगे, ये कंफर्म है. तो अब आगे चलते हैं विकेट कीपर, या तो रिद्धिमान सहा या केएस भारत. अपने पास दो हैं और तो मुझे लग रहा है टीम एक्सपीरियंस के साथ जाएगी, तो रिद्धिमान सहा ही खेलेंगे. केएस भारत को ऑप्शन साइड से वो दूसरे टेस्ट मैच में दे दें, उसके बाद स्पिन ऑप्शन तीन स्पिन ऑप्शन एंड अक्षर पटेल. अक्षर पटेल, अश्विन, जडेजा और ये तीनों खेलेंगे. मेरे हिसाब से इन तीनों से कोई भी अंदर नहीं बैठने वाला है, क्योंकि अभी जो हमने देखा T20 में कितनी जबरदस्त फॉर्म में अक्षर पटेल नजर आ रहे हैं. अश्विन फॉर दैट मैटर कितने इकोनॉमिकल बॉलिंग कर रहे हैं. और जडेजा तो आपको पता ही है व्हेन इट कम्स टू टेस्ट मैच वो आपको 8 नंबर तक बैटिंग भी देते हैं और बॉलिंग तो अच्छी. सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें ये जो तीन प्लेयर्स हैं स्पिन के, जडेजा, अश्विन और अक्षर पटेल, ये तीनों बैटिंग भी कर देते हैं, तो आपकी बैटिंग यूनिट भी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो ही रही है नीचे की साइड में. फिर उसके बाद आएंगे मोहम्मद सिराज, वो तो मुझे पक्का लग रहा है. अब दो हैं, दोनों में से एक आ सकता है, या तो उमेश यादव या तो ईशान शर्मा. जयंत यादव और प्रसिद्ध कृष्णा की जगह अभी नहीं बन रही है टीम में, तो ईशान शर्मा, मोहम्मद सिराज और उमेश यादव, इनमें से कोई दो ऑप्शन. बाकी और डिपेंड करता है कि कल पिच कैसी रहती है कानपुर की और उन सारी कंडीशंस पे कि आप तीन फास्ट बॉलर के साथ जाते हो. देखो मुझे फास्ट बॉलर इतना टेंशन नहीं है, मुझे है कि स्पिनर्स तीनों खिलाए जाएं, अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन और जडेजा, इन तीनों को तो डेफिनेटली खिलाया जाए, क्योंकि ये तीनों ही अच्छे बैट्समैन भी हैं, तो आपको 9 नंबर तक इनफैक्ट बैटिंग देंगे. और आपको सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप अगर पहले बैटिंग ले दें तो भी फायदा, बॉलिंग ले दें तो भी. पर जिस स्टेडियम में ये मैच हो रहा है, ग्रीन पार्क इंटरनेशनल स्टेडियम, उसकी एक बड़ी खूबसूरत बात है कि वो बहुत लकी रहा इंडिया के लिए. 2016 में जब यहाँ पे टेस्ट मैच हुआ था न्यूजीलैंड के, तब इंडिया जीती थी, तब लास्ट टेस्ट मैच वही खेला गया इंडिया में. और उसके बाद अपना जो 500वां टेस्ट मैच इंडिया ने होस्ट किया था वो भी इसी स्टेडियम में हुआ था और वो भी हम लोग जीते थे. उसके बाद न्यूजीलैंड, वही जो आपने बताया कि पता नहीं जमाने पहले 1957 में टेस्ट मैच जीती थी इंडिया आके. पर न्यूजीलैंड के लिए अच्छी खबर ये है कि केन विलियमसन अब उनके कैप्टन वाले रोल में वापस आ रहे हैं, जो T20 में नहीं देखने को मिल रहे थे. और एक और बात कि वो खतरनाक बॉलर जिसने की WTC फाइनल में इंडिया की धज्जियां उड़ाई थी वो भी वापस आ गए. क्या नाम है?
जेमिसन का टायरी जेमिसन टायरी जेमिसन ने हम लोगों का थोड़ा सा जीना आराम किया था तो WBC फाइनल में 7 फुट लंबा वो वापस आ गया है तो अब मुझे फिर भी थोड़ा सा ये है क्योंकि वो पिच अलग थी स्विंग कर रही थी ये पिच वैसी है नहीं तो कितना दो प्रयास को टीम न्यूजीलैंड की टीम थोड़ा मिस करेगी डेविन कॉनवॉय जो स्पिन अच्छा खेलते हैं तो इंडिया में उनके चांसेस अच्छे थे एक ट्रेंट बोल्ट क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस काफी है ये दोनों प्रयास उनके स्क्वाड में नहीं है तो ये दो प्रयास ऐसे हैं जिन्हें न्यूजीलैंड टीम काफी मिस करेगी एक बार न्यूजीलैंड के टेस्ट स्क्वाड पर चले जाते हैं केन विलियमसन उनके कैप्टन है रॉस टेलर के पास बहुत एक्सपीरियंस है और वो खेलेंगे अक्रॉस हेनरी निकोलस ग्लेन फ्रिप्स डैरिल मिचेल उसके बाद ऑलराउंडिंग ऑप्शन उनके पास दो है ऑलराउंडिंग ऑप्शन और विकेट कीपर ऑप्शन उनके पास दो है एक टॉम लेट थम और टॉम ब्लंडर उसके बाद बॉलिंग में आ जाते मिचेल सेंटनर रचिन रविंद्र विलियम सोमनवेद विल यंग और फास्ट बॉलर्स में उनके पास आ जाते हैं टिम साउदी नील वेटनर ट्राइली जेमिसन और अजाज पटेल तो इसमें से न्यूजीलैंड को शायद से मिचेल सेंटनर जरूर खिलाएंगे वो क्योंकि वो स्पिन ऑप्शन अच्छा प्रोवाइड करते हैं बैटिंग भी करते हैं रॉस टेलर केन विलियम मुझे लगता है अजाज पटेल भी खिलाएंगे अजाज पटेल तो खिला सकते हैं क्योंकि वो इंडियन कंडीशन से थोड़ा तो यूज्ड हो रही उसका नाम पटेल है तो रचिन रविंद्र के बारे में आपको एक फैक्ट पता है क्या सचिन और राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर को मिला के उनका नाम बनाया गया बिकॉज उनके पेरेंट्स वैसे वो न्यूजीलैंड के NRI हैं बट दोनों प्लेयर्स के बहुत बड़े फैन हैं और मैं पता था पैदा होते कि ये बंदा खेलेगा एक दिन क्रिकेट ठीक है बाकी 5 दिन का बहुत लंबा टेस्ट मैच होता है और इंडिया में तो टेस्ट मैच जनरली तीसरे या चौथे दिन खत्म ही हो जाता है पर हम आपसे मिलते रहेंगे डोंट वरी हम भी आपको बताते रहेंगे क्या क्या हालत है कि कैसे कैसे आगे मैच बढ़ रहा है और फिर साथ साथ में स्टैटिस्टिक्स देते रहेंगे क्या क्या हुआ तो बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है इंडियन टीम ऑन पेपर और जो हम लोग का रिकॉर्ड रहा है वो भी काफी तगड़ा है बाकी यार मतलब जिस दिन जिसका दिन होगा टॉस जीतो तो ऑफ कोर्स टेस्ट मैच है तो बैटिंग करो T20 है तो बॉलिंग करो इंडिया में तो यही हिस्सा बना हुआ है टॉस जीतने के बाद मेरा नाम है शेखर वाशने भाई का नाम है रावल माकिन इंस्टाग्राम हैंडल्स आप लोगों के स्क्रीन पे आ रहे होंगे तो जाके वो जल्दी जल्दी फॉलो करो हम लोग की कंपनी के हैंडल्स हैं @HTSmartCross @FeverFMOfficial इन सारे हैंडल्स को फॉलो करो काफ़ी इंजॉयमेंट होने वाले हैं क्योंकि टेस्ट मैचेस शुरू हो रहे हैं आराम से बातें करेंगे आप लोगों से तब तक के लिए बाय बाय